सो हे गाइस, विनय दिस साइड, कैसे हैं आप लोग। ये भाई आपकी सीरीज है कंप्यूटर की, एमसीक्यूज की। मुझे मालूम है आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा पास है, तो ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी बेसिकली ये आपकी कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज है, डे वन है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। सीरीज पूरी बेस्ड होगी एसएससी पैटर्न में, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है टीसीएस। वो तो अभी तक हम कवर करेंगे कुछ पुराने क्वेश्चन भी, और जो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल इन सब एग्जाम में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एसएससी के एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपके सीयूटी पीजी डीयू एलएलबी इन सारे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन वाइज है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन है आपका, एन इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्या होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल बेसिकली, ये क्या होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो कि यूज करा जाता है कंप्यूटर के द्वारा। इसे कोई भी मतलब इसमें प्रोग्रामिंग ना यूजर मतलब हमारे द्वारा कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। तो क्या होता है ये इंटेलिजेंट टर्मिनल? एंड एन इंटेलिजेंट टर्मिनल हैज अ माइक्रो प्रोसेसर बट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन किस में? जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो किस में मेजर करी जाती है, बताएं एक बार दें। आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग। देखो होता क्या है, जो इसकी स्पीड है वो होती है बेस्ड MIPS, मिप्स में, ठीक है। मिप्स का मतलब क्या होता है? मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मिप्स में मेजर करी जाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में अभी अभी एसएससी में भी ऐड हुआ है, अभी अभी सीयूटी वगैरह में भी पैटर्न चेंज हुआ है, तो लोगों को आइडिया है नहीं, तो आप ध्यान से करना। सी लैंग्वेज क्या होती है? सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है ये बेसिकली आपकी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज। देखो कॉमर्शियल यूज आ जाए, कंप्यूटर बेस्ड मतलब बनाया गया था, उस कंप्यूटर का नाम है आपका क्या? यूनिवैक। यूनिवैक आपका नाम है। और मैं आपको कुछ ऐसे कंप्यूटर क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं बता देता हूँ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड पूछ ले फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रैक, क्रैक फर्स्ट। ध्यान रखना, अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रैक वो हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान रखना डिजिटल ये वाला नहीं होगा, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर होता है वो होता है एनीवेक, ENIVAC। ये दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड तो क्रैक फर्स्ट, और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एनीवेक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और अगर अभी पूछ ले कि जैसे हमारा वाला कौन है सुपर कंप्यूटर, तो वो पैरम हो जाएगा, परम भी बोलते हैं इसको, परम, ठीक है, जिसको बनाया है विजय विजय भटकर ने, विजय भटकर ने। अगर हमारे यहाँ का पूछ ले तो परम होगा, वैसे वर्ल्ड का पूछ ले तो क्रैक फर्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा आपका? इनीवेक होगा, ठीक है ना। तो चलिए वाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कंप्यूट कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल नेशनल ग्लोबल एरिया। देखो तीन नेटवर्क होते हैं हमारे, लैन ध्यान रखना, वैन, और एक होता है मैन, MAN। जैसे अगर तीनों भी आ जाए ना तो बच्चे ये कहते हैं ऑड वन आउट निकालो, बच्चा मैन को कर देता है, बेटा मैन भी होता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हम एक घर पे यूज करना है नेटवर्क, ठीक है ना, इंटरनेट वगैरह, तो लैन लगता है यहाँ पर। वैन मतलब अगर हमें थोड़ा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसे हम क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है उनमें यूज होता है, उसे हम मैन कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा भाई? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल नेशनल ग्लोबल एरिया में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम यूज करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली ये यूज करा जाता है स्टेटिस्टिक्स के लिए, जैसे जब आपको डाटा बनाना होता है, और ज्यादातर इसमें मैक्सिमम यूज होता है रो का। रो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसमें जो बेस्ड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में किस चीज का ज्यादा यूज होता है या क्या चीज स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो आप बोलोगे रो है, डायरेक्ट आंसर। देखो एमसीक्यू रटने हैं आपने, 400-500 एमसीक्यू करा दूंगा, अगर वो करके चले गए तो कंप्यूटर में पूरे ही आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन मत लो। स्टेटिस्टिक्स आपका आंसर होगा, ये स्टेटिस्टिक्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका,
ग्रुप वेयर, अ ग्रुप वेयर क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका द ट्रांसफर ऑफ डाटा, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस, किसके बलबूते पे ये ट्रांसफर ऑफ डाटा हुआ जाता है, ये ट्रांसफर ऑफ डाटा होता है आपका इंटरफेसिस के दम पर, इंटरफेसिस का आंसर होगा। इंटरफेसिस हेल्प करते हैं डाटा को मूव करने के लिए सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के अराउंड, ठीक है ना, विच ऑफ सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस तक। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका SSC 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब भाई क्या क्या नहीं हो सकता, देखो लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है ना उसमें आपका इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, ये रहा इंटरफेस कार्ड, फिर वो केबल के द्वारा भी लग सकता है, फिर आप मॉडम से भी लगा सकते हो, मगर कंप्यूटर उसका कोई पार्ट थोड़ी ना है, कंप्यूटर के द्वारा थोड़ा लगाओगे आप भैया, कंप्यूटर में तो वो लगेगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज एम कॉमर्स, एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, फ्री फंड के भैया मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हु इन्वेंटेड द मॉडम, मॉडम किसने इन्वेंट करा, मॉडम इन्वेंट करा है मेरे भाई AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने, ये आपको रटनी है चीजें, ध्यान रखना सब कुछ रटना ही है। वट इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब भी स्प्रेडशीट से दो ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये रहा अभी बताया था, ये रहा स्टेटिस्टिक्स पे और एक रॉ पे, तो आपका रॉ आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना मेरे भाई ये रॉ आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। एन ऑल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टॉपोलॉजी, ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टॉपोलॉजी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, बेसिकली नेटवर्क ऐसे जाते हैं, आपको पता है ऐसे 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 नेटवर्क हो जाते हैं, बेसिकली मैश बनता है, मैश MESH मैश। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होता है वो मतलब उनका यूज क्या होता है, उनका यूज होता है रिसीव करना कम्युनिकेशन सिग्नल, जैसे इधर से किसी ने फोन करा तो सैटेलाइट पे यहाँ पे गया, फिर सैटेलाइट उसे रिसीव करेगी फिर रीडायरेक्ट कर देगी, तो रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, बस ऐसे ध्यान रखना। वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज बाय डिजिटल सर्किट्स, तो डिजिटल सर्किट द्वारा एक ही सिस्टम को रिकॉग्नाइज करा जाता है, बाइनरी सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कौन सा इनमें से, तो डेजी व्हील प्रिंटर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मैंने इसलिए डाल दिया आपको याद करना ही है, इसमें कोई थ्योरिटिकल पार्ट नहीं है। टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है ये ध्यान रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी, IBM 650 आपका आंसर है, SSC 2013 का क्वेश्चन है ये भी, अभी मैं रिसेंटली जो हुए थे क्वेश्चन वो भी लाऊंगा, दिल्ली पुलिस के भी लाऊंगा, तो ये देखते रहना। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जिस कंप्यूटर को क्या करा गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट करा गया वो कौन सा है, तो ध्यान से आंसर देंगे हम, इसका आंसर है एनीवेक, एनीवेक आंसर है, और यही आपका डिजिटल वाला कंप्यूटर भी है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट, तो वो होता है आपका TCP/IP। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट, तो फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द, लैपटॉप कंप्यूटर कौन लाया था मार्केट में, एप्सन लाया था, एप्सन याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ डाटा वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस, देखो जो वर्ड का डाटा है बेसिकली वो ऑड है इवन है, ये कौन कैरेक्टराइज करता है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन एनालाइज करता है, तो पैरिटी जो बिट होती है ना, बिट पैरिटी बिट आपका क्या करता है, एनालाइज करता है। देखो एक ना पैटर्न आपसे पूछते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो कैसे चीजों को रिसीव करता है, असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो ध्यान रखना पहले आपका बिट आता है, उस बिट के बाद आपका बाइट बनता है, फिर बाइट के बाद आपका फील्ड आता है, ये चीज याद रखना है, बार बार क्वेश्चन आता है, फिर वो चीज रिकॉर्ड होती है, और फिर रिकॉर्ड होकर वो चीज फाइल बनती है, और फाइल को डाटा बेस में सेव करा जाता है, ऐसा पैटर्न याद रखना। पहले एक स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, बिट होती है, फिर वो बाइट बनती है, फिर फील्ड बनता है, फिर फील्ड के बाद रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होकर वो फाइल बन जाएगी, जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है फाइल बन जाएगी, फिर फाइल होकर कहाँ पर चली जाएगी, डाटाबेस बन जाएगा वो। चलो नेक्स्ट, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज, ठीक है, किसके इज कॉल्ड, बार रीअरेंजिंग करना, एलोकेट करना स्पेस को मतलब मेमोरी के हिसाब से टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क, की अधिक से अधिक हम कंप्यूटर के टास्क एक साथ कर पाए तो उसे हम कहते हैं, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है सब कुछ, इस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ, पहले कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, पहले मैंने कोई चीज कंप्यूटर में फीड करी, फीड मतलब फेच करा, डाली, फिर वो जो मैंने डाला वो किसी कोड लैंग्वेज में जाएगा, फिर कंप्यूटर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, फिर जब वो डिकोड कर लेगा अपनी लैंग्वेज में, फिर वो उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो उस पर काम करेगा, तो फेच डिकोडर एग्जीक्यूट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले होगा बिट, सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर क्या होगा फील्ड, फिर होता है रिकॉर्ड, फिर होता है फाइल, फिर होता है डाटाबेस। असेंडिंग में, अगर डिसेंडिंग में पूछ लेता तो उल्टा हो जाएगा, पहले डाटाबेस, फिर फाइल, फिर रिकॉर्ड, फिर फील्ड, फिर बाइट, फिर बिट। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको एमसीक्यूज की हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है और आपको लगता है सब भला हो सकता है आप लोगों का, तो मेरे भाई जरूर बता देना। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी और सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा क्वेश्चंस की बनाएंगे, लाइक 35 से 40 क्वेश्चंस की, जिससे 10 से 15 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन रेडी हो जाए। मैं इतना आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरे द्वारा कराए हुए 400 क्वेश्चन करके चले गए, अगर आपके 10 क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखना एसएससी वालों, पूरे क्वेश्चंस को मतलब पूरे उड़ा दोगे आप, कुछ बचेगा ही नहीं। या फिर अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी यूजी पीजी की, 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो भैया 10 में से 9 कहीं नहीं गए, 10 में से 10 भी बच्चे लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इस बुक से आएगा, किस बुक से आएगा। ठीक है ना, तो चलिए बस, मगर वो बुक नहीं बता सकते, बुक बताएंगे आप पढ़ोगे, मगर उसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पकड़ना है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो और मेरे भाई जाते जाते आप हमारे मॉक टेस्ट के बारे में सुनते जाओ कि मॉक टेस्ट को आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के तैयारी हमेशा अधूरी रहती है। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक है 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी पीजी डीयूएलएलबी बीएचयूएलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है, तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं। मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है, तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए या कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं, और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।